कैसे हो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये बन रही है मेरी सुबह सुबह की चाय, और साथ में मैंने दिन के लिए रख दी है दाल, क्योंकि वो साबुत उड़द की है, उसमें टाइम लगता है, तो मैंने सुबह ही चढ़ा दी है। आज बन रहे हैं फ्राइड चावल और बनाऊंगी रोटी, तो आज का खाना यही है। देखिए धूप कुछ है नहीं, हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा है बाहर, धूप के तो आसार नहीं है आने के। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप अपने घर पे बेडशीट कैसे बिछाएं, और जो हिलेगी डुलेगी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा उसे, ना लूज होएगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मैं किस अपने बेड पे बेडशीट बिछाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मेरा बेड कुछ ऐसा है और इस पे बिछाया मैंने विक फिट का मैटर्स प्रोटेक्टर, और ये इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। ये देखिए, ये वाटर प्रूफ है, ये देखिए। तो इसमें अगर बच्चे पानी भी गिरा देते हैं तो नीचे तक लीक नहीं होता है ये, और ये काफी अच्छा है, मुझे काफी साल हो गए इसको, काफी साल हो गए इसे लिए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले लेंगे आप बेडशीट, इसको हम इसके जो साइड वाले कोने हैं वो एक साथ जोड़ेंगे, पहले जो कॉर्नर है चारों कोनों को ले लेंगे। ये देखिए, ये ले लिया हमने चार कोने इसके, और हम बराबर उसमें इसको बांध देंगे, चारों को बराबर उससे बांधेंगे। बेड से छोटी बेडशीट है तब भी ये बिल्कुल फिट आएगी आपकी। ये देखिए, चार कोने कर दिए मैंने बराबर उसमें, और अब इसको हम फैलाएंगे बैठे। ये देखिए, बिल्कुल फिट आई है, और इसको हम यहाँ से नीचे दबा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल चारों तरफ से दबी हुई है बेडशीट, और यहाँ देखो ये बिल्कुल गेट। ये देखिए, ये जो गेट है ये ऐसे नीचे आएगी, और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, और ये बिल्कुल गीट नहीं दिखेगी बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल फिट बैठी हुई है। ये हिलेगी डुलेगी नहीं बिल्कुल, और यहां से भी ये गीट देखो दब रखी है भी। और अब चाहे बच्चे उठ लें या कुछ करें, ये बेडशीट हिलेगी नहीं बिल्कुल, ऐसी की ऐसी रहेगी। जब तक आप इसकी गीठे नहीं खोलेंगे तब तक ये खुलेगी नहीं, चलता तो ये ऐसी बंदी रहेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी ये आपको हेल्पफुल वीडियो, तो जरूर कमेंट्स में जरूर बताना, और आगे भी मैं बेडशीट के बिछाने के तरीके और बताऊंगी, और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो आप देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए और लाइक्स करते रहिए। ये है सूजी, और इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है रवा इडली, मतलब सूजी की इडली। ज्यादा नहीं भूनना, हल्का बस रोस्ट करना इसको। ये मैंने माइक्रोवेव में रोटियां कट दी थी, भून दी थी, हल्की रोस्ट कर ली है, देखो
इसकी बनाऊंगी मैं चटनी चना दाल मूंगफली के साथ। इसमें डाल दूंगी मैं करीब 1 कप के करीब दही। थोड़ा गर्म पानी ले लूंगी। अभी हमने नमक नहीं मिलाया इसमें। और इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे जिससे इसमें खमीरा उठ जाए। हमने रख दिया उसे माइक्रोवेव के अंदर, कल बनानी इडली तो हमने अभी से उसको रख दिया जिससे मैं अच्छी सॉफ्ट बने। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं हम बिग बॉस, और बिग बॉस देखते देखते हमारी रात कट जाएगी और सुबह तो छुट्टी है। आज मैं थोड़ी लेट जगी हुई और बच्चे भी जगे हुए, देखो क्योंकि उनको पता आज कल संडे आराम से उठेंगे तो वो भी उठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे बाय बाय एंड गुड नाइट। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।